आज तो बेतिया में यहाँ के किसान, गन्ना किसान, यहाँ के गरीब लोगों की बड़ी सभा है। अभी अभी 1 तारीख को बजट आया। देश के किसानों की जो मांग है उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और महीने में 500 रुपये का चुनाव से पहले मोदी जी ने जो किसान सम्मान के नाम पर घोषणा की, मैं समझता हूँ कि देश के किसानों के लिए इससे बड़ा अपमान होती है। नीतीश जी राज कर रहे हैं, बार बार चंपारण आते हैं, लेकिन आज तक इस पूरे इलाके में तो अभी भी सुनते हैं कि यहाँ बेतिया राज चल रहा है। यहाँ के पूरे किसान उनकी ज़मीन का हक गांधी जी के ज़माने से लोग मांग रहे हैं, आज तक नहीं मिले। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अभी सामने चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है वो जुमलों पर नहीं, किसानों की मांग पर, चाहे वो किसान के बकाया पूरे देश के किसान दर्जा से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। देश में स्वामीनाथन आयोग कम से कम 1.5 गुना लागत से जल बिजली कीमत की मांग कर रहे हैं। मुद्दे इस बात के चुनाव के मुद्दे होंगे। चंपारण बड़े समय रहा है, लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर काफी सुगण हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कम्युनिस्टों का घर नवा है, आज भी है, रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये लाल झंडे हैं, वहाँ कम्युनिस्ट भी कमजोर नहीं होंगे। चुनाव है, बात है, जमीन पर कम्युनिस्ट की जो ताकत है, चंपारण हो, सिवान हो, मोहल्ला हो, बिहार हो, हमेशा कम्युनिस्टों का डर रहा है। जंगल आपका बुद्ध जल का